आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने मैदान संभाल लिया है। दशहरा और दीपावली पर बड़ी मात्रा में मिठाई की बिक्री होती है, ऐसे में कई बार मिठाई में दूषित और मिलावटी मावा मिलाने की शिकायत भी प्रशासन को मिलती है। इस मिलावट को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कई टीमों का गठन किया है, जो शहर में मौजूद मिठाइयों की दुकानों पर नजर रखेंगी और गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं एडीएम गौरव बेनल ने मंगलवार को 1 बजे बताया कि इंदौर में त्योहारी सीजन के दौरान बड़ी मात्रा में मावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ग्वालियर से आता है, ऐसे में कई बार मिलावटी मावा भी इंदौर पहुंचाया जाता है, तो इस मावे से बनी मिठाइयों के सेवन से लोगों की सेहत पर विपरीत असर भी पड़ सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है और लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। एडीएम गौरव बेनल ने मिलावट खोरों पर सख्त कार्रवाई की बात की। इसके साथ ही जो भी विक्रेता मिठाई को बनाने में गुणवत्ता का ध्यान रखेगा, उसे जिला प्रशासन की तरफ से प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उम्मीद है कि जिला प्रशासन की इस सख्ती के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगेगा। अगले 1 महीने में काफ़ी सारे त्यौहार पड़ रहे हैं और इस कारण से जो आवक है मिठाइयों की, मावे की, दूध से निर्मित उनकी खाद्य पदार्थों की, नमकीन की इत्यादि की, वो बढ़ जाती है और ऐसे में संभावना बढ़ जाती है कि मिलावटी जो खाद्य पदार्थ हैं वो मार्केट में आएँ। तो इसके लिए हमने दल गठन कर दिए हैं जो वृहद स्तर पर सैम्पलिंग का कार्य करेंगे। ये नगर निगम क्षेत्र में जो भी निर्माण एजेंसीज हैं या फिर जो प्रतिष्ठान है, खाद्य प्रतिष्ठान, वहाँ से भी सैम्पलिंग करेंगे और जो महू, देपालपुर, सावेर, इन सभी इलाकों में खाद्य प्रतिष्ठान की जो निर्माण एजेंसीज हैं, इकाइयाँ हैं, वहाँ भी जा कर के सैम्पलिंग करेंगे। तो नॉर्मली जो हमारी टीम सैंपल लेती है उससे 3 गुना सैंपलिंग का टारगेट इस महीने कर दिया है। तो जो भी अमानक या फिर असुरक्षित खाद्य पदार्थ यदि कहीं मिलते हैं तो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और वहीं जहां अगर कोई शुद्ध सामग्री का वो बेचते हैं या उसका विक्रय करते हैं तो बिल्कुल उसको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। मतलब जो सही काम कर रहे हैं उनके को प्रोत्साहन होगा और जो डेफिनेटली जो बिल्कुल शुद्ध खाद्य पदार्थ या सामग्री का निर्माण कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करेगी हमारी टीम। उनको बिल्कुल हतोत्साहित करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो भी अवमानक स्तर के पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं या उसका निर्माण कर रहे हैं, उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।